Sponsored by Call Bharat, the leading digital marketing company in India. कोरोना टीकाकरण कैंप का आयोजन, जैन धर्मशाला में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, 200 तक के लोगों को लगाया जा रहा है टीका। वहीं चिरंजीवी योजना में भी करवाया जा रहा है लोगों का रजिस्ट्रेशन। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने किया कैंप का शुभारम्भ। नव भारत समाचार, अजमेर, राजस्थान से कैलाश व्यास। आज हमारी सहयोग संस्थान द्वारा यहां पर निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप, साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का कैंप भी लगाया जा रहा है। इससे समाज के काफ़ी लोगों को यहां लाभ मिल रहा है और हम ये कैंप आज यहाँ केसरगंज में लगा रहे हैं। कल हमारा यही कैंप 23 तारीख को श्रीजी वाटिका नाका मदार में भी लगेगा, जिससे भी काफ़ी लोग यहाँ पर लाभान्वित होंगे। और हम चाहते हैं, अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसका कैंप का उसमें। मैं श्रीमान के सोनी जी, CMHO साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये वैक्सीनेशन कैंप के लिए मंजूरी दी और साथ ही उन्होंने पूरा हमारा सहयोग किया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विनीत जैन, अध्यक्ष सहयोग संस्थान। जी सर, आज जो सहयोग संस्था जो हमारी है, इन्होंने आज बहुत अच्छा पुनीत कवर काम किया है। इन्होंने एक वैक्सीनेशन कैंप, साथ ही चिरंजीवी मुख्यमंत्री योजना का भी इन्होंने कॉलिबेशन साथ रखा है। ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है कि वैक्सीनेशन, जो कि अभी आप देख रहे हैं कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसके अंदर वहाँ पर 2-3 हथियार हैं, इसमें एक वैक्सीनेशन भी हथियार है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा। तो आज काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और ये वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले तो उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने विभाग को पूरा सहयोग करते हुए ये पूरी कार्य के अंदर हमारे को सहयोग कर रहे हैं। साथ ही मैं आपके मीडिया के माध्यम पुनः अपील करना चाहता हूँ कि अगर